ऐसे भी कोई रहस्य नहीं है। सबसे पहली बात, MBBS में गोल्ड मेडल मिलता है कि नहीं, बहुत लोग हमसे पूछे थे, हाँ मिलता है। ओवरऑल टॉपर को मिलता है और सब्जेक्ट टॉपर्स को मिलता है, ओवरऑल सेकंड टॉपर को नहीं मिलता है। गोल्ड मेडल की बात हो गई, अब फेल की बात करते हैं। फेल भी लोग होते हैं MBBS में, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है। अगर कोई बच्चा फेल करता है तो उसको सप्ली एग्जाम देने को मिलता है। अगर वो पास कर गया तो वो अपने बाकी फ्रेंड्स लोग के साथ आगे वाले ईयर में, नेक्स्ट ईयर में चला गया। बट अगर उसमें फेल कर गया तो वो वापस से उसी ईयर में रह जाएगा, एंड उसमें भी फिर से सप्ली देना पड़ेगा और नॉर्मल एग्जाम। टोटल 4 अटेम्प्ट मिलते हैं एक बार फेल करने के बाद। अगर उसमें भी हार गया तो फिर निकल जाता है कॉलेज से। जब भी फाइनल एग्जाम देना होता है उससे पहले एक सेंटअप लिस्ट निकलता है, उसमें बताया जाता है ये लोग सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं फाइनल एग्जाम देने के लिए, फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अटेंडेंस की वजह से रुक जाते हैं एंड उन्हें फाइनल एग्जाम देने का मौका ही नहीं मिलता, वो डायरेक्ट सप्ली एग्जाम देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड के बहुत हाई रैंक का कॉलेज मिल गया, आपको लो रैंक का मिला, तो वो ज्यादा अच्छा डॉक्टर बनेगा, तो ऐसा नहीं है। मतलब आपको अल्टीमेटली खुद ही से पढ़ना है। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट उतना भी नहीं है कि आप मुंह बना के रह जाएं। ऑल द बेस्ट।